बदायूं मंदिर परिसर में 50 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप की घटना की उच्च स्तरीय जांच करवाने को लेकर आम आदमी पार्टी ने मांग की, जिसको लेकर एक ज्ञापन उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को भेजा गया। प्रदेश में बढ़ते अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया गया था, जिसका जीता जागता उदाहरण बदायूं मंदिर परिसर में 50 वर्षीय महिला के साथ गैंगरेप हत्या करने का जो मामला सामने आया है, उसको लेकर आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष हाजी जाकिर हुसैन के नेतृत्व में जिला इकाई द्वारा पूरे प्रदेश में प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करके उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को एक ज्ञापन दिया गया। ज्ञापन में मांग की गई कि प्रदेश में फैलते भ्रष्टाचार और अपराधों को रोकने के लिए प्रदेश सरकार द्वारा ठोस कदम उठाए जाए और बदायूं मंदिर परिसर में 50 वर्षीय महिला के साथ हुई घटना की उच्च स्तरीय जांच कराई जाए। प्रदर्शन करने वालों में सुशील सिक्का, गुलफाम खान, कासिम खान, जावेद शेख, अजय कुमार, जावेद आलम, एपी सिंह आदि लोग मौजूद थे। प्रदर्शन के बारे में बोलते हुए पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष एपी सिंह ने कहा कि अगर जल्दी इस मामले में कार्यवाही नहीं की गई तो आम आदमी पार्टी बड़ा आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। आज आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी माननीय संजय सिंह जी के निर्देश पर प्रत्येक जिले में महिलाओं के उत्पीड़न को लेकर के आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन देने जा रहे हैं और इसका एक ही मकसद है कि उत्तर प्रदेश में विगत 4 सालों से जिस तरीके से महिलाओं का उत्पीड़न हो रहा है, अभी परसों का प्रकरण है बदायूं में एक महिला के साथ जो एक मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जा रही थी, उसके साथ साथ नृशंस हत्या की गई, बलात्कार किया गया। आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता ऐसे कृत्य की घोर निंदा करता है, भर्त्सना करता है और योगी सरकार से मांग करता है कि आखिर कब तक आप जो है हाथ में हाथ धरे बैठे रहेंगे। आप अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेता घोषित करने पे तुले हुए और आपको प्रदेश की जनता का कोई ख्याल नहीं रह गया है। प्रदेश की महिलाएं असुरक्षित हैं। अभी भोजपुर में कल एक कांड हो गया है। लगातार पूरे प्रदेश में हर जिले में बलात्कार हो रहे हैं, महिलाओं को मारा जा रहा है, उनके हाथ उनका शरीर छत विच्छित किया जा रहा है, लेकिन आप जो है रोज नए सर्कुलर पास कर रहे हैं, लेकिन कोई उत्पीड़न को लेकर के आपने अब तक कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया है। इसलिए आम आदमी पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता आज माननीय संजय सिंह जी के निर्देश पर कचहरी पर प्रदर्शन करते हुए ज्ञापन देने की तैयारी हम लोग कर रहे हैं, ज्ञापन देने जा रहे हैं। क्या मांगे हैं? हमारी मांगे हैं कि तत्काल जो बदायूं प्रकरण के दोषी हैं उन्हें जेल में डाल करके आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान सरकार की तरफ से किया जाए, क्योंकि जिस तरीके से आप जो है सरकार हाथ में हाथ धरी बैठी रहेगी तो ऐसे हम लोग कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे? कितनी महिलाओं के साथ आप अत्याचार होते हुए देखना चाहते हैं? तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, वो आप अपनी जिम्मेदारी तय करें, ना कि जो है अपने आप को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नेता घोषित करने का काम करें।